गाइस, आप क्या कर रहे हैं अपने घर के लिए? जरूर ही इस टाइम बहुत ही प्रिकॉशन का और सफाई का ध्यान रखना है, तो वो मैं कैसे कर रही हूँ तो वो मैं आज आपको बताऊंगी। आप देख सकते हो मैं काम कर रही हूँ, तो इस टाइम ये मैं सोचना कि कैसे हूँ, बट काम जब मैं करती हूँ तो मैं कुछ भी ध्यान नहीं रखती। मैं एक मेकअप ब्लॉगर हूँ, तो बस इतना ही। तो आप देख सकते हो मैंने सारा घर जो है साफ कर दिया है, देख सकते हो आप, पूरा घर मैंने साफ कर दिया है। तो सारा घर आप देख सकते हो मैंने क्लीन कर दिया है, और मेरे घर में हर जगह ये जो मैंने DIY हैंड सैनिटाइजर बनाया है, इसकी अगर वीडियो नहीं देखी आपने तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और वही ये बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि और जो मोस्ट पॉपुलर वीडियोज़ हैं या फिर जो भी डॉक्टर्स हैं उन्होंने सलाह दी है ये वाला हैंड सैनिटाइजर बनाने की, क्योंकि कोई भी ज़्यादा खरीद नहीं पाता तो वो इससे काम चला सकता है। इसमें भी बहुत अच्छे केमिकल्स मिले हुए हैं जो कि आपको कीटाणु मारने के काम आ सकते हैं। तो मैं ये हर जगह बना के रख रही हूँ, मैंने यहाँ रखा है, बाहर रखा है, फ्रिज पे रखा है, और कोई भी आता है आप देख सकते हो मैं मास्क भी, ये देख सकते हो आप, मैं डेली मास्क को वॉश करती हूँ, क्योंकि ये वाले जो, और वॉश करना हमें ऐसे है मास्क को कि अच्छे से इसे साबुन से, जो रिन का साबुन होता है, रिन के साबुन से हमें वॉश करना है, उसके बाद हमें इसे डिटॉल में डालना है थोड़ी देर के लिए ताकि अच्छे से सारे कीटाणु मर जाए, उसके बाद हमें इसे सुखाना है। आप चाहे तो धूप में डाल दें तो बहुत अच्छी बात है, मैंने यहाँ पर डाल दिया, उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए धूप में डालूंगी, क्योंकि बाहर अच्छे से धूप नहीं आती है तो इसलिए ऊपर डालना पड़ेगा, बट वापस से डस्ट चिपक जाएगा तो क्या फायदा। तो आप देख सकते हैं मैंने सारा सरफेस जो है सब पे ये हैंड सैनिटाइजर छिड़का है, पहले सारा डेटॉल से साफ किया है, और फिर सारा आप देख सकते हो पूरा घर मैंने क्लीन किया है, यहाँ से भी देख सकते हो, बाहर से भी, यहाँ से भी देख सकते हो। कोई भी मैं आपको सलाह दूंगी, आपको एक जो मेरी सलाह जो भी मुझे पता चलता है उसके बारे में मैं आपको जरूर अपडेट करती रहती हूँ। तो आप देख सकते हो ये फ्रिज जो है, और एक मिनट, और गाइस आप देख सकते हो फ्रिज जो है मेरा, फ्रिज ठीक है, फ्रिज में आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं पाएगी जो कि खुली रखी है, और वैसे भी हमको खुली नहीं रखनी चाहिए। और दूसरा, हमें फ्रिज में इस टाइम जो हमारी चीज़ें खराब हो सकती है हमें वही रखनी चाहिए, अदरवाइज हमें पानी तो फ्रिज का इस टाइम जहर है हमारे लिए, ओके, क्योंकि ये जो है ये ठंडे पानी से आता है और ठंडे मॉइस्चर में रहता है, तो इसलिए आप देख सकते हैं कोई भी आप फ्रिज में कोई भी चीज़ नहीं रखेंगे। अगर अदरवाइज आपको यूज़ करते हो कोई भी आटा वगैरह या कुछ भी, आटे में तो वैसे रोटी बनाते तो पता नहीं होता, बट आटा भी यूज़ करते समय ठीक है उसको थोड़ी देर के लिए हमें बाहर निकाल के रख देना है, तब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तभी हमें उसे यूज में लेना है। और आप देख सकते हो मैंने ये सारा जो है, ओके, ये सारी किचन जो है मैं अपना ये क्लीनर से वॉश मतलब सारा साफ करती हूँ रोज की, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी जम्स को मारता है। मैं इसकी पब्लिसिटी नहीं कर रही हूँ गाइस, ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं अभी इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ जो मुझे स्पॉन्सर करेंगे। तो आप देख सकते हो ये जो है ये बेस्ट क्लीनर है, मतलब कहने का है मेरी तरफ से बेस्ट फ्रॉम बेस्ट क्लीनर है, अगर आप कोई भी क्लीनिंग करने के लिए ढूंढ रहे हैं तो आप ये वाला ले सकते हैं किचन क्लीनर। और दूसरा आप देख सकते हो मैं अपने घर की सफाई के लिए यूज़ करती हूँ जो वो करती हूँ लाइज़ोल, क्योंकि लाइज़ोल बहुत अच्छा एक सरफेस साफ करने का वो है, मुझे लाइज़ोल बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसमें अलग अलग फ्रेगनेंस आती है, बट इसमें कीटाणु जो है वो अच्छी तरह मर जाते हैं, तो इसका आप यूज़ कर सकते हो ये भी। देन आप देख सकते हो मैं डिटॉल भी रख रही हूँ सब कुछ, और ये हैंड वॉश है ठीक है, आप ये मत करिएगा आप हैंड वॉश, ये जो है ये डिटॉल का है, मैंने इसमें डाल रखा है हैंड वॉश जो है ये डिटॉल है ठीक है, डिटॉल भी रखा हुआ है मैंने, और ये हैंड वॉश भी रखा हुआ है इसमें, और ये मैं लाइज़ोल भी यूज़ करती हूँ, दिखा चुकी हूँ आपको कि मैं क्या क्या इस टाइम यूज़ कर रही हूँ। और आप देख सकते हो मैं पहले सारा पानी से वॉश करती हूँ, उसके बाद सारा डिटॉल से वॉश करती हूँ, लिक्विड जो लाइज़ोल है सब जगह,
तो गाइज आप देख सकते हो ये मैंने सैनिटाइजर बना रखा है। और अगर आप 20 सेकंड बाद कभी भी मतलब जैसे कि होता है ना कभी हम वॉश नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए आप हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। और गाइज समझ लीजिए इस टाइम बहुत ज़्यादा मुसीबत आम पड़ी है और हमें ही उसका सामना करना है। आप जो भी समझेंगे तो ये कैसे बोल देती हैं तो, बट मैं इतना कह जाती हूँ कि आप हमेशा ही हमारी ज़िंदगी भगवान सेफ रखें हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। और आप देख सकते हो मैं ये आरब है, ठीक है, ओके, तो ये मैं इसको हमेशा ही ऐसे देती रहती हूँ हाथ में, देख सकते हो। और हो सकता है तो आप थोड़ा थोड़ा कपड़ों पे भी छिड़क सकते हैं क्योंकि अपने घर को तो सैनिटाइज कर ही रहे हैं हम, और मैं अपने पूरे घर को सैनिटाइज करती हूँ, आप देख सकते हो, बोलती भी रहे। और देख सकते हो जितने भी पढ़ाई कर रहे हैं ये सबको मैं दे रही हूँ यहाँ पर, हर 20 सेकंड बाद इनके हाथ सैनिटाइज करा देते हैं क्योंकि क्योंकि गाइस हमें अगर बच्चे भूल जाते हैं तो हमें हमारा फर्ज बनता है कि हमें इनका ध्यान रखना है, अपने बच्चों का ज़रूर ध्यान रखना है, अपना भी ध्यान रखना है। और मैं और जो भी आपको थोड़ी अपडेट मिलती रहेगी तो मैं देती रहूँगी, आप देख सकते हो आप। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी आपसे, कि मतलब जो डॉक्टर्स हैं मैंने एक वीडियो भी देखा था तो वो मुझे लग रहा है बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि इस टाइम हमारे को ना मेकअप पे ना किसी चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, हमें सिर्फ इस टाइम अपने शरीर पे अपना जो इम्यून सिस्टम है उस पर ध्यान देना चाहिए, हमें अपने इम्यून सिस्टम के लिए जो भी हमें लगता है वो हमें खाना चाहिए और प्रॉपरली डाइट अच्छे से लेनी चाहिए क्योंकि गाइस हमारे इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा तो हमारे शरीर को ये लड़ाई से हिम्मत मिलेगी, मतलब इस कीटाणु से लड़ने की हिम्मत मिलेगी। दूसरा अगर हो सकता है तो इस टाइम जो लोग बैंगल्स वगैरह ये सब कुछ पहनते हैं इतने ज़्यादा, मैं आपको बता रही हूँ वो आपकी मर्जी है लेकिन जो मुझे लगा है वो मैं आपसे कह रही हूँ इस बात के लिए, ओके। तो देख सकते हो आप ये मेरे नाखून जो है नेल्स में लगाती हूँ, मैंने ये भी निकाल दिए हैं, बाकी जो है वो काट दिए हैं, बच्चों के भी सबके काट के ही रखती हूँ मैं। और दूसरा जो मेरे आर्टिफिशियल नेल है ये वाले निकल नहीं रहे हैं बट मेरे को निकालने की निकालना है इन्हें, इस टाइम मुझे कुछ नहीं रखना है, आप देख सकते हो ये निकल जाएंगे बट मैं निकालूंगी इन्हें। और मैंने जो बैंगल्स पहनी हुई थी ओके तो ये चार चूड़ियाँ ही कर ली हैं सी, और कांच की हैं उस पर तो फटाफट से हट जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, कांच को तो रब कर दो, पर जो प्लास्टिक की चूड़ियाँ होती हैं गाइस उस पर थोड़ा आप समझ सकते हो प्लास्टिक पे वो 12 घंटे या 24 घंटे रहता है तो कह रहे हैं, तो हमें प्लास्टिक की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। तो आप देख सकते हो कांच की पहनो और ऐसे वॉश कर लो अच्छे से, यहाँ तक भी वॉश हो जाता है पूरा। और कोई भी रिंग्स आपको नहीं पहननी है इस टाइम, हमें अपने शरीर की खूबसूरती से ज़्यादा हमारी लाइफ का प्रिकॉशन, लाइफ का ध्यान रखना है गाइस, हमें अपने लाइफ का ध्यान रखना है, ओके। तो आप देख सकते हो सकता है तो आपके हाथों में कोई भी रिंग हो तो उसे प्लीज़ उतार दीजिए क्योंकि आप देख सकते हो मैं कितनी रिंगें पहनती हूँ, तो मैंने सब निकाल दी हैं। इस टाइम हमें बस यही करना है कि बस हम इस विपदा से जो हमारे को कैसे भी मिली है तो उससे हम निकल जाएं बस। और मैं आप बताना चाहूँगी खाना उसका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं कि खाना पीना, अगर दूध हम बाहर से ला रहे हैं ओके, अगर हम दूध बाहर से ला रहे हैं तो उसको अच्छे से पहले हम सबसे पहले किसी कहीं ना रख कर उसको हमें वॉश करना है, दूसरा जो लेकर आया उसके हैंड वॉश करने हैं, कोई भी यहाँ तक कि पैकेट वाली चीज़ भी है तो आप हमेशा ही एक डिटॉल का पानी बना लीजिए, उसमें एक रुमाल रख लीजिए, उसको हमेशा ही साफ करके ओके, क्योंकि वो तो चीज़ धो ही नहीं जा सकती है, जैसे ब्रेड वगैरह आती है तो उसको डायरेक्ट पानी में नहीं डाल सकते, तो उसको साफ करा डिटॉल से और वो डिटॉल का जो रुमाल है उसको अच्छे से क्लीन करके वापस से उसी में रख दिया। तो गाइस बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा इस टाइम, हमने शायद जितनी सफाई नहीं की होगी तो जो भी ये आया है उसने इतनी सफाई करवा दिया है कि हम अगर हम, मैं तो इतना खुश हूँ कि अगर ये वाला जो रूटीन है अगर हम हमेशा के लिए ही अपना लें तो गाइस बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी आगे के लिए, क्योंकि जम्स जो हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सब्जी पे आ रहे हैं, हर चीज़ पे आ रहे हैं। और सब्जी के लिए मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप सब्जी जैसे यूज़ करते हो तो उसे थोड़ी देर के लिए पानी डाल दो, पानी में डाल दो, अगर गर्म पानी में डालोगे तो ज़्यादा बेस्ट है, अगर पानी में डालोगे सिंपल पानी में डालोगे तो उसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा अगर आप मिला दोगे तो सब कीटाणु जो है उसके मर जाएंगे। तो गाइस ऐसे आप थोड़ा थोड़ा प्रिकॉशन ज़रूर यूज़ कीजिए क्योंकि सेफ लाइफ तो सब कुछ हाई फाई। जैसे कि मैं सब चीज़ का ध्यान रख रही हूँ तो इस चीज़ का भी ध्यान रख रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी देर में हमें अपना जो रिमोट है उसे भी सैनिटाइज करना है, ओके। अगर सैनिटाइज के लिए आपके पास तो हमें सैनिटाइज करना है इस तरीके से,
सैनिटाइज करने के बाद इसे अच्छे से क्लीन कर देना है, ठीक है ऐसे। और इसी तरीके से हमें ये फ़ोन भी करना है। वैसे तो इतना हम प्रिकॉशन ले ही रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारे चीज़ें तो बाहर यूज़ नहीं होती हैं, बट फिर भी आप चाहे तो ऐसे आप बार बार अपना फ़ोन जो है ऐसे क्लीन कर सकते हैं। तो गाइस सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम। तो और गाइस एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमेशा ही आप इस टाइम अगर गर्म पानी पिए, हमेशा मतलब हमेशा ही ठंडा बिल्कुल भी ना पिए, ओके। तो मैंने आप देख सकते हो इस मिल्टन की बोतल में पानी गर्म करके रख रखा है और हर कोई यही पानी पी रहा है, क्योंकि ये जो कीटाणु है ये डायरेक्ट नहीं जाता है, पहले 4 दिन के लिए ये हमारे गले में रहता है, ओके। तो हमें उसे गले में ही नष्ट करना है, और नष्ट करने के लिए अगर हम ये गर्म पानी पी, आप ये मत सोचना कि ये रूमर है या जो भी कुछ है। गाइस एक वीडियो मैंने देखा था, ठीक है, उस पे जो मतलब जिस जो कोरोना का पेशेंट था, ओके, तो उसी ने ये सलाह दी थी कि मेरा ये जल्दी से ठीक इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने डायरेक्ट गर्म पानी पीना स्टार्ट कर दिया था। वो ओके, वो ऑलरेडी डॉक्टर था वो, ठीक है, तो उसको ऐसा लगा कि मेरे को ऐसा कोरोना सा हो रहा है या जो भी आप समझे, मजाक बनाए या जो भी है, जो भी मेरे को पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ओके। लेकिन गर्म पानी पीना हमारी सेहत के लिए वैसे भी अच्छा होता है, और इस टाइम तो अच्छा ही है, क्योंकि आपने नोट किया होगा अगर हमारे गले में कोई चीज़ अटक जाती है या कुछ खराश हो जाती है तो हम हमेशा ही गर्म पानी पीते हैं। और ये जैसे कि आप देख सकते हो 4 दिन के लिए हमारे गले में रहता है, अगर हम उसे गले में ही हर चीज़ को नष्ट कर देंगे तो वो हमारे अंदर तक नहीं जाएगा। और हमेशा ये बताया डॉक्टर ने कि अगर हम उसे पी लेंगे तो हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में जाके वो उसका जो एसिड है उसे ख़त्म कर देगा, जो भी वायरस है। तो बस मैं इसकी सलाह दूंगी कि आप ये गर्म पानी ज़रूर पिए गाइस। मेरे को, मैं चाहती हूँ सब ऐसे ही हमेशा ठीक रहे और वीडियो सबके देखते रहे, ओके। बस यही चाहती हूँ कि हमेशा ठीक रहे, बट गर्म पानी आप ज़रूर पीना, और जो भी प्रिकॉशन बता रहे हैं या मैं नहीं या और किसी से भी आपको पता चल रहा है तो वो ज़रूर फॉलो करना। और बस यही था आज का मेरा वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ, और मैं मिलती हूँ और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय। लंबा ले तो मुझे को तुम